सवाल कैसे होगा, आपको दिख रहा है भाई डिवाइड पहले दिख रहा है, फिर इसकी पावर, दोनों की पावर अलग अलग, उससे मैटर नहीं है, बाद में होल पावर भी दी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको दिख रहा है ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, ठीक। ये ए है और ये एम है, ये डिवाइड का निशान है, फिर ये ए है, ये एन है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, एक बार ए लिखते हैं और पावर माइनस कर देते हैं, ठीक। यानी कि जब डिवाइड होगा सेम बेस होगा और डिवाइड का निशान होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक। एक बार लिख के पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगा होता तो पावर ऐड हो जाती है, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू भाई हमने किसको माना, माइनस वन बाई टू, दोनों में सेम है, माइनस वन बाई टू एक बार लिखा, एम की वैल्यू इलेवन है, माइनस एन की वैल्यू क्या है, टेन। और अगर हम बाहर देखें तो इसके पूरे ब्रैकेट के बाहर थ्री भी लगा है, ठीक है। फोकस अंदर ही रखिए अभी, अरे माइनस वन बाई टू, इलेवन में से टेन गया वन बचा, इसकी भी पावर थ्री है। और आपको एक लॉ ये भी पता है कि पावर, पावर की पावर जो होती है वापस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो थ्री वन द थ्री, वन अपॉन टू की पावर थ्री, लेकिन पावर माइनस पे पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। माइनस वन पॉइंट टू का मतलब होता है माइनस वन पॉइंट टू की पावर थ्री का मतलब माइनस वन पॉइंट टू को तीन बार मल्टीप्लाई करो, जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, वन वन द वन, वन वन द वन, तीन बार माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, टू टू द फोर टू द एट, ये आंसर आ गया। क्लियर, कोई डाउट? नो सर।